नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया। और शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र की सियासत में दोपहर के बाद जिस तरह से सूरज ने करवट ली, राजनीति की तपिश अचानक से बढ़ निकली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी और उसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अचानक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। और इसके साथ ही सियासत के तमाम सारे जो समीकरण हैं वो समीकरण भी बदल गए, क्योंकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा अब इस पर सस्पेंस बन चुका है। पहले देवेंद्र फडणवीस का यह दावा था कि मुख्यमंत्री वे ही रहेंगे, सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और शिवसेना को उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो दिया जाएगा वादे के मुताबिक। लेकिन शुक्रवार के दिन जो घटनाक्रम हुए, जो राजनीति में अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आई, उन्होंने अब महाराष्ट्र का मूड पूरी तरह से बदल दिया है। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद एक प्रेस वार्ता कर शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोलते हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंची है। हम कभी भी अपनी पार्टी की नीतियों को छोड़कर आगे नहीं जाते हैं और हम कभी भी बाला साहेब ठाकरे का, जो कि शिवसेना के प्रमुख थे, उनका कभी अपमान नहीं करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि जिस 50-50 फॉर्मूले की बात शिवसेना कर रही है वो फॉर्मूला कभी तय ही नहीं हुआ, यानी कि कभी भी ये बात नहीं हुई कि शिवसेना को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस वार्ता की, कयासों का दौर थोड़ा आगे बढ़ा और थोड़ी ही देर के बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आगे आए। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा? उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि शिवसेना की बात लोकसभा चुनाव से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से हो चुकी थी कि जब भी सरकार बनेगी तब शिवसेना और भाजपा दोनों का आधा आधा हिस्सा सरकार में होगा। वे अपने पिता यानी बाला साहेब ठाकरे से इस बात को लेकर वचन भी दे चुके थे कि मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा जब महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, और इस लिहाज से मैंने बीजेपी से जब अपना वादा निभाने की बात कही तो बीजेपी ने इससे इनकार किया। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ही बीजेपी को इस बात का खुलासा करने से मना किया था ताकि जनता के बीच में गलत संदेश ना जाए, लेकिन जब चुनाव जीतने की बारी आई, जब सीटों के गणित और उलटफेर की बारी आई, तब उनकी चर्चा देवेंद्र फडणवीस के साथ अपने ही घर में भी हुई थी और यहाँ बीजेपी ने उन पर इस बारे में भी दबाव बनाने की कोशिश की थी कि उनकी सीटें ज्यादा है इसलिए मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए। लेकिन शिवसेना ने यह कहा कि जब हमारी सीटें ज्यादा आएंगी तब मुख्यमंत्री आपका भी आधे साल के लिए रहेगा और आधे साल के लिए हमारा भी रहेगा। तो ये उद्धव ठाकरे के आरोप हैं और अपनी सफाई भी है। इसके साथ अब बातें ये चली हैं कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा हुआ, उद्धव ठाकरे की सफाई हुई, लेकिन महाराष्ट्र का क्या होगा? महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या वाकई महाराष्ट्र को अब अपना मुख्यमंत्री मिल सकता है? क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद वो समय भी आएगा जब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, इस लिहाज से जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं, जो कवायदें हैं, जो गणित है, वो सब धीरे धीरे ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र पहुंच गए हैं और उन्होंने इस सियासत के पन्ने को थोड़ा सा उलटने का काम किया है। नितिन गडकरी वो शख्स हैं जिनका महाराष्ट्र में खासा दखल है और जब भी बात महाराष्ट्र की राजनीति की आती है, जब भी बात आती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा और कद्दावर चेहरा कौन होगा, तो जिक्र नितिन गडकरी का जरूर होता है। ऐसे में एक बार फिर समीकरणों को बदलने के लिए, हवा का रुख चेंज करने के लिए नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र पहुंचकर अपनी बात भी रखी है और यह भी कहा है कि शिवसेना और बीजेपी राजधर्म को निभाएंगे, दोनों दल मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे। बहरहाल होगा क्या, एक तरफ एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार जो स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस और एनसीपी विपक्ष में बैठेंगे, अपना विपक्ष धर्म निभाएंगे, दूसरी तरफ शिवसेना है जो मुख्यमंत्री के पद पर अड़ी हुई है और बीजेपी है जो शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद नहीं देना चाहती है। ऐसे में समीकरण ही बन रहे हैं कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी वो नेता है जिनके नाम पर सभी नेता एकमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, साथ ही साथ संघ के साथ जो रिश्ते नितिन गडकरी के रहे हैं वही रिश्ते उद्धव ठाकरे के साथ भी रहे हैं और यही कारण है कि शायद इसे दबाव की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है कि शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा था जब देवेंद्र फडणवीस अपना इस्तीफा दे और उसके बाद शिवसेना अपने पत्ते खोले। होता क्या है ये तो आने वाले वक्त में और कुछ ही घंटों में तय होगा, लेकिन अब तक की अपडेट थी जो हमने आप तक पहुंचाई। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।